अगला किसको पिक करें? कुशल? ओके। पहली फिल्म मेरी थी जतरा। 2005 में शूट की थी। जब पेमेंट की बात हुई थी तो मैं ऑफिस में गया और पर डे की बात होती है ना अपनी की, हम लोग वैसे न्यू कमर थे, नई नई शुरुआत थी और अभी कितना पैसा बोलना है पता नहीं, तो 30 दिन का काम था, बड़ा रोल था। और मैं गया ऑफिस में अभी पर डे क्या है मतलब, तो उन्होंने कहा 3000 रुपया। मैं बोला 30 दिन का 3000 पकड़ के अपने को तो 90000 2005 में मिल गया। मतलब अभी तो खत्म, मतलब अपन तो छा गया अभी पूरा। रोल भी इतना बड़ा, पहले फिल्म में किसको रोल मिलता इतना। मैंने तो हाँ चलो फटाफट साइन कर देते। उसने पूछा कि आपने ठीक से पढ़ लिया ना? हाँ हाँ ये मस्त है सर, ओके है सर ये मेरे लिए। तो बोला नहीं नहीं ये पैकेज है तुम्हारा। अभी तो खत्म। 30 दिन का 3000 का पैकेज था। तो दोस्त को फोन किया कि भाई ये 3000 बोल रहे पूरा पैकेज का, तो इसमें पकड़ लो कि डबिंग बेबिंग भी आ गया, मतलब सब आगे आगे। तो कैसा करेंगे यार? तो बोला कि भाई देख पहली फिल्म है तेरी, तो फिल्म में काम करने के लिए लोग पैसे देते हैं, तो ये तो पकड़ ले कि कोई तेरे को लेके फिल्म कर रहा है, इतना बड़ा रोल तेरे को दे रहा है, 30 दिन का काम है, तो तू कर ले ये फिल्म। मैं बोला हाँ मतलब फिल्म तो करना ही है, क्योंकि नाम भी बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं बोला हाँ मैं करता हूँ। और फिर फिल्म शुरू होगी और एक स्केड्यूल हो गया और मेरे पापा गुजर गए, और फिर दूसरा स्केड्यूल लग गया। हम लोग बाल मुंडवाते हैं ना, तो मैं नहीं कर सका क्योंकि कंटिन्यूटी में बाल अटका पड़ा था मेरा। तो हो गया फिल्म रिलीज हो गया। मैं बैठा था, मेरी माँ पीछे की सीट पे बैठी थी। मैंने मेरा नाम देख लिया बड़ा, इंटरवल तक आया, मैंने मुड़ के देखा ना तो मेरी माँ मेरे पापा का फोटो लेकर फिल्म देख रही थी। लेकिन वो फिल्म में हम लोग जितने भी एक्टर थे ना, आज सारे के सारे मराठी में सुपरस्टार है। yes, yes. वो एक फिल्म ने हमारा पूरा लाइफ चेंज कर दिया, पूरा लाइफ। और आज भी हम सोचते हैं कि वो फिल्म का सीक्वल आ जाए। थैंक यू। नहीं अरे 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 मेरे को आपके पाउच होने चाहिए। नो रियली आप इतने अच्छे एक्टर हो, इतने प्यारे इंसान हो, और मैं जब भी आपको परफॉर्म करते देखती हूँ मैं कितना कुछ सीखती हूँ आपसे। अरे रियली आप मिसाल हो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम मुझे आज एक और चीज़ शेयर करनी है कि हम लोग रीजनल से आते हैं तो बहुत डरे डरे रहते हैं कि हिंदी का शायद ऐसा होगा, हिंदी का शायद वैसा होगा। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा, पहला हिंदी शो है, और ये बहुत बड़े कलाकार है, इनको तो देख के मैं डर ही गया था एक्चुअली। हाँ मैं भी। तो मुझे एक बात कहनी है कि ना मैडम, हम लोग गाँव से कोई झाड़ अगर ला के ऐसे शहर में लगा देंगे ना तो वो जी नहीं पाता, वो मर जाता है। उसको ना वैसे ही मिट्टी चाहिए, वैसे खत पानी चाहिए, उसको थोड़ा संभालना पड़ता है। तो ना हम लोग अभी आपको लगता है ना कि ये थोड़े उग रहे हैं, इनको फूल आ रहे हैं, तो इन्होंने ना बड़ा संभाला है। इंसान हो यार आप, हर बात पे रुला देते हो, क्या है यार आप, क्या करते हो, क्यों करते हो आप ऐसे, कितनी प्यारी बातें करते हैं। नहीं नहीं आप रीजनल से हो, बट आई थिंक ये शो की शान हो आप लोग यार, रियली। तो गाइज अब वक्त है किसी और का पहला एक्सपीरियंस बताने का। तो पहला घर, हिमांगी को अपने लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताना है। तो मैं बचपन से, मतलब मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, थाना में हुआ है, लेकिन किस कारणवश मेरे माँ बाप को भी अपना घर ले ना सके वो, और फिर घर में सबका सपना था कि घर होना चाहिए। और मैं थिएटर करती थी तो मैं बहुत ज़रा 1 करोड़ 2 करोड़ का घर मैं नहीं ले सकती थी, इसलिए मैं एक लॉटरी सिस्टम है महाराष्ट्र में, जो 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और जिनके नाम पे कहीं पे भी महाराष्ट्र में घर नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर साल मई का इंतज़ार करती थी क्योंकि वो लॉटरी मई में निकलती है और 8 साल के बाद जाके मेरी लॉटरी लगी है, मुझे घर मिला। और जब नाम अनाउंस हो रहा था मेरा, वो अनाउंस कर देते हैं टीवी पे, तो उस वक्त मेरी बहन का देहांत हुआ था और उसकी 10वीं थी और मैं वो खुशी मना नहीं पाई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन वो ब्लेसिंग दे गई, इसलिए वो घर मेरा बहुत स्पेशल है मेरी बहन की वजह से भी। और मुंबई में अपना घर, ओह अपने नाम का, अपने नाम की नेम प्लेट लगना बहुत बहुत अलग बात होती है। और फिर मेरा एक जुनून भी है कि मैं अपने घर में कुछ भी कर सकती हूँ। और डेफिनेटली आपकी बहन की ब्लेसिंग्स हैं जो आज आप उस घर पे हो, और आई एम श्योर कि आप मैडनेस के इस मंच में और लाइफ में जो भी आप अमेजिंग काम कर रहे हो और करते रहो और बड़े घर बनाओ और जो जो आपके सपने सारे पूरे कर पाओ। पहला घर हमेशा ही स्पेशल होता है, जिसको नहीं पता मैंने भी अभी रिसेंटली अपना घर बनाया और मैंने मम्मी के नाम पे वो घर बनाया है। मेरी माँ का नाम सविता है तो सविता निवास के नाम से बनाया मैंने वो घर, और वो आजकल उन्हीं का राज चल रहा है उन पे, हमें डांट देती कि मेरे नाम पे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अभी थोड़े टाइम पहले रेंट पे रहते तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, और ये वाला जो मैंने बनवाया ये प्रॉपर वो वाला बनाया ना, ऑटोमेटिक आजकल चल रहे हैं। तो पिताजी मेरे आधे टाइम जो है वो गेट से बाहर ही लॉक रहते हैं। मैं अपने कमरे से रिमोट से ना मम्मी के पंखे ऑन करते तो भागती हुई बाहर आती, चुड़ैल 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 चुड़ैल। तो आई थिंक हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस है और पहला घर हमेशा स्पेशल होता है, इसलिए हिमानी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मैं पूछना चाहूंगा परितोष भाई से कि इनको इतने साल हो गए, मतलब कब साल? अरे यार हम खुदाई में से निकले थे क्या? Legend, legend, legend. मैं जानना चाहता हूँ इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? Even I want to know. मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों डीयू में प्रोफेसर हैं। उस घर में मैं फेल हूँ 1 साल, और जब आप इस परिवार में फेल हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है आप घर से भागी हुई लड़की हैं। कोई ना भाव देता है ना इज्जत देता है, पर कोई एक होता है जो चुपके से खाना दे देता है। तो वो मेरे बड़े भाई ने किया, आशुतोष त्रिपाठी ने। तो अगली क्लास में एडमिशन हो इससे पहले मेरे भाई ने मुझे थिएटर ज्वाइन करवाया, और इतना बोलने वाला ये आदमी इंट्रोवर्ट था, मैं कांप जाता था, कोई नाम पूछ ले मेरा मुँह लाल हो जाता था। उन्होंने बोला कि पढ़ाई का पता नहीं क्या होगा पर इसको थिएटर ज्वाइन करवाती तो इससे खुलेगा, और सन 2000 में पहला नाटक किया था। और वो जो ताली पड़ी थी तो आपको लगता है कि आपका अस्तित्व तो कुछ है, आप किसी चीज़ में बेहतर हैं। एक किस्सा ये है, सोनी चैनल का मैं किस्सा बताता हूँ कि सोनी चैनल पे सुपर डांसर नाम से एक शो आया, मेरा 6 महीने ऑडिशन हुआ। शो की जब से नींव पड़ी तब से वो लोग मामा जी ढूंढ रहे थे, और 2 लोग मुझसे पहले चॉइस थे इस रोल के लिए। एक थे पंकज त्रिपाठी जी और दूसरे अतुल श्रीवास्तव जी, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और मैं तीसरी चॉइस था कि एक इससे भी करा के देखते हैं। तो मेरा ऑडिशन किया उन्होंने, निहायत ही ख़राब। मैं घर गया और रास्ते में मैंने सोचा कि यार उन्होंने जो जो लिख के दिया मैंने कर दिया, अपना भी तो कर सकते हैं ना। तो लिखने का वहाँ से शुरू हुआ, और मैंने कहा एक बार मैं अपनी स्क्रिप्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं वापस गया, परफॉर्म किया, ठीक ठाक लगा, तो हो गया सुपर डांसर में 2 एपिसोड के लिए। तो पापा हमारे बीमार थे, तो वो PGI लखनऊ में एडमिट थे, और मैं शूटिंग कर रहा था सुपर डांसर की। तो हमारा काम ये था कि हम शिल्पा जी पे चुटकुले सुनाएं, शायरी सुनाएं, और जैसे कट हो पीछे जाके कि वो सीरम क्रिएटिनिन का क्या हुआ और BP के रिपोर्ट का क्या हुआ, और ऐसे बात। और मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकता था क्योंकि कोई जानता ही नहीं था ना, सब और वही सहमे डरे नया सेट। और उसमें एक एक्ट हुआ फादर सन पे, और वो ऐसा स्ट्राइक किया ना। तो फादर वाली कविता मैंने पढ़ी थी, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। तो उस दिन के बाद मैंने 5 सीजन साइन किए सुपर डांसर के। और वही है कि लाइफ में आपको सब कुछ नहीं मिलता है, तो पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान की मेरे साथ ना उसकी पहली लाइन सच नहीं हुई है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये लाइन सुना के रोटी कपड़ा मकान तीनों आ गया, वह पिता नहीं रहे। तो ये है मामला, और बाकी तो ये है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। लॉन्डे की फिल्म आज कांस में गई है। और इसी बात पे ये तो आई एम श्योर वो जहां पे भी होंगे ना आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। कम ऑन, आप हमारे लेजेंड हो यार शो के। और मैं एक बात बता दूं आपको, रुलाने भी सबसे आगे आप और हंसाने में भी सबसे आगे आप हो। आप सभी की स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि जो ये टैलेंटेड आप सभी लोग हो और जिस आसानी से सबको हंसा देते हो और जितने एकदम बेखौफ होके आप सबको एंटरटेन कर देते हो, कितना कितना कुछ है पीछे जिसको लेके आप चलते हो। हंसाने का काम है। और आपको पता है हुमा, हम लोग कुछ और भी काम चुन सकते थे, हम लोगों ने हंसाने का काम इसलिए चुना है ना क्योंकि हम लोगों को रोना पता है और दर्द पता है। बोलते हैं कि क्या बात बोल दी है, बोलते हैं ना कि टूटा हुआ तारा इसलिए मुराद पूरी करता है, टूटा हुआ तारा इसलिए मुराद पूरी करता है क्योंकि उसको टूटने का दर्द पता है। ये आपने जो बात कही है ना, दिल को लग गई आज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।